या फिर हमारी कंट्री के स्टेप्स क्या हैं इलेक्शंस के, हमारी कंट्री में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। जब हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमने अनाउंसमेंट से स्टार्ट करना है और इसका एंड करेंगे कहाँ तक, रिजल्ट तक, ठीक है। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्शंस। हमारी कंट्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इलेक्शंस की, और इट मीन्स ड्रॉबैक्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, तो सारा हमने नेगेटिव फॉर्म में बताना था। फिर नेक्स्ट हमने किया रेमेडीज। तो रेमेडीज का मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं का सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, जो प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्यूशन बना देना। सॉल्यूशन में नंबर वन अगर प्रॉब्लम है यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, तो उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में बना देंगे। इलेक्शन कमीशन शुड चेक दैट लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट यूज रिलीजियस सिंबल्स, वर्शिप प्लेसेस इन देयर कैंपेनिंग। Any kind of emotional or religious speeches should not be given attention. यानी कि किसी भी तरह से religious speeches हैं, suppose कोई person अपने गुरु के पास जाकर ये कहता है कि मुझे मेरी पार्टी को वोट दिलवाओ, तो this is wrong. यानी कि religious के basis के ऊपर आप votes जो है वोट बैंक attract नहीं कर सकते। ऐसे अपने problems की remedies लिखो। Remedies का मतलब क्या होता है, solution. Suppose आपको कोई भी question आता है, remedies यानी कि आपने पांच प्रॉब्लम बतानी हुई है, उसको आपने सॉल्यूशन के फॉर्म में कर देना। अगर सेकंड प्रॉब्लम है यूज ऑफ मनी, मनी का यूज किया जाता है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन ने इसको किया हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब है आपने ये भी बताना है कि व्हाट इलेक्शन कमीशन हैज ऑलरेडी डूइंग, क्या उसने क्या कर चुका है और क्या कर रहा है। 25 लाख एमपी के लिए उसने लिमिट कर दिया है, 10 लाख कर दिया है एमएलए के लिए, लेकिन आप बता सकते हो, अपना सजेशन दे सकते हो कि मनी का आगे से आगे रोल और कम हो सकता है अगर आप इन हम सजेशन दो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। स्टेट फंडिंग मैंने क्या बताया था कि हर पार्टी को, हर लीडर को गवर्नमेंट बराबर मनी दे, हर एक को सिर्फ 10,000 मिले। अब उस 10,000 से वोट जीत कर दिखाए, तो जो जीतेगा ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ऑनेस्ट ऑनेस्ट विनर होगा। बट इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, क्योंकि हमारी कंट्री में इलेक्शन के टाइम पीरियड में रैलीज के ऊपर, पोस्टर्स के ऊपर, यानी कि पार्टीज के ऊपर, या लोगों को काम दिलाने के लिए ब्राइबरी, या लोगों को जो उनसे वोट लेने के लिए उनको मनी दिया जाता है, तो हमारी कंट्री में पैसा बहुत वेस्ट होता है। पर इसके ऊपर चेक होना चाहिए, कि अगर चेक नहीं किया गया तो आगे से आगे ऑब्वियसली जितना लोगों ने इलेक्शंस के टाइम में पैसा लगाया है, जीत जाने के बाद उसे डबल और ट्रिपल वो पहले अपनी पॉकेट फिल करेंगे, बाद में आपका फिल करेंगे। आज जो पर्सन या आज जो पार्टी आपको पैसे के लिए आपसे वोट ले रही है, कल को जितना उन्होंने पैसा लगाया उसे डबल ट्रिपल वो पहले अपनी पॉकेट फिल करेंगे, तब आपके बारे में सोचेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ जी हमने गलती की, तो बेटर है पहले ही आप उस पार्टी को, उस लीडर को वोट करो जो मनी को यूज नहीं करता, ऑनेस्ट लीडर है, ठीक है। वोटिंग शुड बी कंपल्सरी, ये रेमेडी करवाई हुई ना मैंने, सारे हो चुकी है डिस्कस। वोटिंग कंपल्सरी होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स का टेस्ट भी हो चुका है, हाँ क्वेश्चन हो गया, तभी तो टेस्ट में डाला था, पहले देख लो कहाँ पे नोट थे। हो गया, हाँ जी डन, तभी तो टेस्ट लिया अगर हो चुका हो, हाँ जी ऑनलाइन। अब जो बच्चे आए थे तो जरूरी थोड़ी है जिन्होंने नहीं अटेंड की, दे शुड अटेंड द क्लास, इवन यू कैन चेक वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड। जिन बच्चों ने प्रॉब्लम का टेस्ट किया है उनके 5 मार्क्स आए हैं, इट मींस दे हैव लिसन एंड दे हैव अटेम्प्ट। हां जी ठीक है, रेमेडीज सॉल्यूशन। अब हमने प्रॉब्लम्स किए हैं तो उनका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो रेमेडीज जो है हम स्टार्टिंग, वैसे मैंने डिस्कस किया हुआ है जब मैंने कहा था कि प्रॉब्लम्स को रेमेडीज की फॉर्म में बनाना। She has written. तो प्रूफ है बेटा, हाँ जी फर्स्ट यू कैन राइट अगेन, मिनिमाइज रोल ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी शुड बी मिनिमाइज। ये कैसे होगा, जितना मनी जो है इलेक्शंस में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है उसको मिनिमाइज किया जाए। मिनिमाइज का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था दैट लोकसभा इलेक्शंस में 25 लाख जो है प्रॉपर लिमिट लगाई गई है, 25 लाख से ज्यादा मनी जो है वो स्पेंड नहीं कर सकते। एमएलए के इलेक्शंस के लिए कितनी है, एमएलए के इलेक्शंस के लिए 10 लाख,
तो गवर्नमेंट ने इतना जो है वो मनी का एटलीस्ट चेक लगाया हुआ है, बट स्टिल लेकिन फिर भी लोग जो है वो मनी को यूज करते हैं, ब्लैक मनी इलेक्शंस में यूज की जाती है, ठीक है। देन सेकंड है प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन शुड बी गिवन, ठीक है, प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन शुड बी गिवन। नो डाउट इलेक्शन कमीशन प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पीरियड में पुलिस सिक्योरिटी को डबल और ट्रिपल कर देना चाहिए, ताकि जिन एरियाज में पिछले इलेक्शन में रिगिंग हुई थी या माल प्रैक्टिसेस हुई थी, अनफेयर मींस यूज किए गए थे, या बूथ कैप्चर हुआ था, या गन पॉइंट के बेसिस के ऊपर लोगों से इलेक्शंस करवाए गए थे, ऐसे एरियाज में प्रॉपर पुलिस सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा डबल हो जानी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी कैमराज जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए, ताकि वहां पर जो भी रॉन्ग एक्टिविटीज हो रही है वो सारी इलेक्शन कमीशन जो है वो चेक कर सके, ठीक है। देन वोटिंग शुड बी कंपल्सरी, नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है इट शुड बी कंपल्सरी। वोटिंग कंपल्सरी कैसे होगी, जब आधार कार्ड जो है वो वोटर कार्ड के साथ लिंक किया जाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा कि कौन सा पर्सन जो है उसने वोटिंग की है। जो लोग वोटिंग करने नहीं आए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ फैसिलिटीज विड्रॉ कर ली जाए उन लोगों से, जिन लोगों को यही नहीं पता कि वोटिंग करनी चाहिए, वो लोग उस पर्टिकुलर डे को एंजॉय कर रहे हैं, वो हॉलीडेज मनाने जा रहे हैं, छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, वोटिंग नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपनी पीपल पार्टिसिपेशन जो है या गवर्नमेंट के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको परफॉर्म नहीं कर रहे, क्लियर। सो इट शुड बी कंपल्सरी, गवर्नमेंट इस तरह से कंपल्सरी करेगी तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज बढ़ सकती है। देन मिस यूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी शुड बी कंट्रोल्ड। इलेक्शंस के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट व्हीकल्स या पेट्रोल जो है वो वेस्ट होता है, गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट रिसोर्सेज, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कैंपेनिंग के टाइम पीरियड में, ठीक है, यूज किया जाता है पार्टीज के द्वारा जो ऑलरेडी इन पावर होते हैं, ठीक है। मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी शुड बी कंट्रोल्ड। हाउ इट कैन बी चेक, गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी जो पावर में है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में रेड लाइट व्हीकल्स जो है उनको यूज करने पे रोक लगा दी जाए। जितनी भी मनी जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट मनी को यूज ना करें, वो अपनी पर्सनल मनी यूज करें, ठीक है, गवर्नमेंट मनी को यूज ना किया जाए। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको कैंपेनिंग के लिए यूज ना किया जाए, गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज ना किया जाए, और गवर्नमेंट स्टाफ जैसे गवर्नमेंट ड्राइवर्स हैं या और भी कितने स्टाफ होता है जो ड्यूटी पे होते हैं, उनको एटलीस्ट इलेक्शन कैंपेन पे जो है वो यूज ना किया जाए, ताकि लोग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने पर्सनल जो उनके लीडर्स हैं उनके साथ कैंपेनिंग करें, ना कि गवर्नमेंट स्टाफ के साथ, क्योंकि ये शो करते हैं कि अगर गवर्नमेंट स्टाफ हमारे पास ज्यादा होगा तो हमारे नंबर ऑफ जो है पार्टिसिपेंट ज्यादा दिखेंगे और इसे लोगों के ऊपर इनका इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा, और इस चक्कर में कई बार क्या करते हैं वो गवर्नमेंट मशीनरी को मिसयूज करते हैं, लेकिन इसको रोकना चाहिए रेमेडीज में, ठीक है। देन प्रॉपर रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट। रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का मतलब क्या है कि वोटर लिस्ट पिछले 5 साल में जितने भी वोटर्स थे, सपोज उनमें से कोई किसी की डेथ हो गई है या 18 जो पहले 18 नहीं थे अब वो 18 हो गए हैं, ठीक है, तो इनका प्रॉपर जो है रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए। रिवीजन का मतलब होता है अपडेट होनी चाहिए, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो क्लियर कट मेजोरिटी हमारे पास अगर होगी तो ही हम सही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परसेंट लोग हैं और कितने लोगों ने वोट किया, ठीक है। वोटर कार्ड शुड बी प्रॉपरली चेक। कई बार देखा होगा कि वोटर सेंटर जो होते हैं वहां पे वोटर कार्ड ही नहीं चेक होता, लोग बिना वोटर कार्ड के वोट कर जाते हैं। रीजन क्या है, वहां पे जो स्टाफ है उसने प्रॉपर चेकिंग नहीं की, ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि चेकिंग करो, लेकिन कई स्टाफ जो है वो चेकिंग शायद नहीं करते होंगे, तो दीज वोटर कार्ड शुड बी प्रॉपरली चेक वाइल वोटिंग। और पीपल शुड डिस्करेज बोगस वोटिंग। का मतलब क्या था, मैं अपना वोटर कार्ड किसी को ना दूं, मैं अपना वोटर कार्ड किसी को अगर नहीं दूंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलेक्शन के टाइम पीरियड में मेरे वोटर कार्ड का मिसयूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ कर सकते, करने को तो फेक आईडी कुछ कोई भी कर सकते हैं, लोग करते हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दीज वर द रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन और उसके चेक कैसे हो सकता है, ठीक है, ये आपने इस क्वेश्चन में करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्शंस इन आवर कंट्री, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, रेमेडीज, सॉल्यूशन, सजेशंस। What kind of suggestions you can give to control the problems, challenges and weaknesses of elections in our country? Clear? Next आ जाओ। Next, composition and powers functions of election commission.
कॉम्पोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे इलेक्शंस कंडक्ट करता है. पहले मैंने आपको सिर्फ एक फीचर करवाया था इसका, इलेक्शन कमीशन का. अब हम डिटेल में करेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन के पावर्स एंड फंक्शंस कि हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या काम करते हैं. क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, फीचर्स है, अनाउंसमेंट है, सारा कुछ वही है. बस अब आपने इसको इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि इलेक्शन कमीशन इसको कैसे परफॉर्म करता है. सारे हेडिंग्स हमने किए हुए हैं, बस आपने इसको इस आंसर की फॉर्म में बताना है. सपोज आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन हमारी कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल जो है वो कमीशन माना जाता है. इसके लिए सबसे पहले इसकी कॉम्पोजिशन आपको पता नहीं चाहिए. कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन की क्या प्रोविजन है. इलेक्शन कमीशन सीईसी प्लस टू मेंबर्स. बच्चे आवाज नहीं आ रही थी. सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके साथ दो और भी मेंबर होते हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे कंट्री में हमारे जो कैपिटल है ना दिल्ली, दिल्ली हमारी जो कैपिटल है, इसमें प्रॉपर इलेक्टोरल डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर डिपार्टमेंट इज देयर, और ये डिपार्टमेंट जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं, हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल, किसी बच्चे ने पूछा एम आई ऑडिबल. थैंक यू. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ सीईसी प्लस टू मेंबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इनके साथ दो और मेंबर्स होते हैं. लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हमारी कंट्री में सिर्फ यही इलेक्शन कंडक्ट करते हैं. प्रॉपर इलेक्टोरल डिपार्टमेंट इज देयर. इलेक्टोरल डिपार्टमेंट पूरा प्रॉपर ऑफिस है, दिल्ली में है. इसके अलावा हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में अपने अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होते हैं. और इन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को कौन गाइडलाइन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये तो हो गया कि कितने मेंबर हैं. अब आ जाओ इनका टेन्योर, टेन्योर और टर्म. यहाँ पे याद रखना है आपने, क्योंकि मेन टर्म कितनी है, 6 ईयर्स है. हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को अगर उसकी पोस्ट देखो, प्रेसिडेंट की पोस्ट देखो, एमपी की पोस्ट देखो, एमएलए की पोस्ट देखो, टेन्योर इनका कितना होता है? 5 ईयर्स. लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है इनकी टर्म कितनी है? 6 ईयर. ये आपने याद रखना है. ठीक है, हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दो मेंबर्स हैं, कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? 6 ईयर. एंड कौन इनको अपॉइंट करते हैं? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और ये कहाँ पे लिखा गया है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल याद रखना है आपने, 324. विच आर्टिकल गेव प्रोविजन, या विच आर्टिकल गिव्स प्रोविजन रिगार्डिंग द इलेक्शंस कमीशन पावर्स? विच आर्टिकल गिव्स पावर्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन? कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन की पावर्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता है? दैट इज आर्टिकल 324. कल को कोई भी पर्सन अगर इलेक्शन कमीशनर बनता है उसको कौन सा आर्टिकल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा? 324. इस आर्टिकल में उसकी पावर्स लिखी होंगी, उनके फंक्शंस लिखे होंगे, और ये भी लिखा होगा कि उसको कैसे उसकी पोस्ट से क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है. हाउ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव, और हाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव, ये भी सारा जो है दैट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल 324. ये रिमूव हो सकते हैं इफ दे आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. They can be removed. हमारी कंट्री में कोई भी पोस्ट है उसको रिमूव करने का प्रोसीजर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया. तभी हमारी कंट्री में आज, हाँ जी बच्चे आवाज नहीं आए, तभी हमारी कंट्री में आज तक कोई भी डिक्टेटर नहीं बन सका, क्योंकि हर एक पोस्ट को रिमूव करने का प्रोसीजर भी हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. क्लियर? वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन.
ये शॉर्ट में मैंने जस्ट आपको बताई है इसकी इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट। बच्चे आवाज नहीं आए बीच में मत बोलो। दिस वॉज अबाउट द कभी पता नहीं बाद में कहते हैं कि मैम ये टॉपिक नहीं हुआ क्योंकि ना आपने कहीं पे इसको नोट किया, हेडिंग ही नहीं लिखा, ना डेट लिखी, आपको पता ही नहीं व्हाट्स गोइंग ऑन इन द क्लास। यहाँ तक कोई डाउट आपको बेटा? ऑनलाइन हरमीत ख्याति सुरवीन प्रतीक्षा एंड रियांशिका ठीक है? हाँ जी एनी डाउट नव्या प्लीज आस्क फ्रॉम मी नॉट फ्रॉम देयर एनी डाउट। आर्टिकल 324 गिव्स प्रोविजंस अबाउट द इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को कैसे अपॉइंट करना है, कैसे उसको रिमूव करना है, उसकी पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में वन मोर क्वेश्चन आर्टिकल 324 आपको पता होना चाहिए ठीक है। ये है जैसे इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे इनके फंक्शंस, इनके पास पावर्स क्या है। ऑटोमेटिकली जो हमने फीचर्स किए हैं, जो हमने इसका प्रोसीजर किया है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ठीक है। हाँ जी सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज, अब इलेक्शन कमीशन का काम ही क्या होगा, टू कंडक्ट इलेक्शंस। हेडिंग फर्स्ट हेडिंग आप बनाओगे टू कंडक्ट इलेक्शंस। अब हेडिंग लिखने के बाद आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस हेडिंग अकॉर्डिंग टू टू थ्री लाइंस। अब इसमें आप बताओगे दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन। किस किस के इलेक्शन करवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शंस मींस एमपीस ठीक है। आप एमपी भी लिख सकते हो, आप लोकसभा इलेक्शन भी लिख सकते हो ठीक है। कौन कौन से इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन, टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये मेन फोर डिग्निटीज आप याद देख रहे, टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर तो बीच में ही आ जाते हैं, लोकसभा, लोकसभा में जो मेजोरिटी होगी उसमें से जो एमपी सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट से जीते। बच्चे बीच में डॉक मत करना, बाद में यू कैन आस्क क्वेश्चन ठीक है। हाँ जी फर्स्ट आपने बताना है दैट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ फर्स्ट लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ठीक है। इसी के साथ अभी आपका ये पॉइंट कवर नहीं हुआ, हमने इसमें और क्या बताना है, कौन कौन से इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस भी करवाते हैं, मिड टर्म भी करवाते हैं और बाय मींस आपने सारा पढ़ा हुआ है, आपने वो सारे मैटर को हमने इलेक्शन कमीशन की पावर्स की तरह यूज करना ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस मिड टर्म, इट कैन बी मिड टर्म, इट कैन बी जनरल इलेक्शंस एंड इट कैन बी बाय इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस भी हो सकते हैं। हाँ जी तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ही करेगा कंडक्ट ठीक है। हाँ जी और क्या बता सकते हैं इसमें, थर्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्शन, जब इलेक्शन होती है तो सबसे पहले आपने स्टेप पढ़ा था कि अनाउंसमेंट के बाद एरियाज को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट्स एरियाज आर डिवाइडेड, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट्स एरियाज आर डिवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल अब इसको जितना मर्जी एक्सप्लेन करो, इफ द इलेक्शन आर ऑफ लोकसभा देन होल ऑफ द कंट्री विल बी डिवाइडेड इन टू 543 ठीक है। इफ द इलेक्शंस आर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जांपल पंजाब, पंजाब में कितनी सीट्स हैं, 117, तो होल ऑफ द पंजाब विल बी डिवाइडेड इनटू, पंजाब विल बी डिवाइडेड इनटू 117। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्शंस कौन से हैं, लोकसभा इंडिया में 540
फर्स्ट हेडिंग है कंडक्ट इलेक्शन 543 कर मैंने कहा 543 लोकसभा की स्थिति है 543 पूरी कंट्री का लिखो 543 अगेन इलेक्शन कमीशन इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड इवन जितनी भी स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन अभी फरवरी में होने ना पंजाब के इलेक्शंस तो कौन करवाएगा इलेक्शन कमीशन इट मींस एमएलएस यू कैन आल्सो राइट इलेक्शंस एंड इलेक्शंस ऑफ एमएलएस आल्सो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन एमएलएस भी लिख सकते हो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फरवरी में पंजाब गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी उसके लिए पहले से ही इलेक्शन कमीशन सारी प्रोविजन जो है गाइडलाइंस हमारे पंजाब में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनको देंगे एंड आपके सामने सारा प्रोसेस जो है वो सेम स्टार्ट हो जाएगा अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट ठीक है फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू कंडक्ट इलेक्शंस इस एक पर्टिकुलर हेडिंग में यू कैन राइट नंबर ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन सेकेंड इज टू प्रिपेयर वोटर्स लिस्ट अब इसमें क्या आ जाएगा प्रिपेयर वोटर लिस्ट एंड वोटर कार्ड अब आपने वोटर लिस्ट एंड वोटर कार्ड से रिलेटेड ही पॉइंट इसमें बताना है कि हमारी कंट्री में वोटर लिस्ट एंड वोटर कार्ड जो है उनको इशू करना वोटर कार्ड को इशू किया जाता है वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है अपडेट का मतलब क्या होता है पिछले 5 साल में जो सिटीजन नहीं थे या जो 18 ईयर्स नहीं थे अब वो 18 ईयर हो चुके हैं तो उनको क्या इशू करना पड़ेगा वोटर कार्ड So, it is the duty of the election commission to issue voter cards to all the citizens above the age of 18. Aur agar jinko already bana hua hai, if they wanted to change their names or address, then change of address is also the responsibility of election commission. Suppose aapka ghar change hota hai, hanji bache please don't do anything. Kavya, you are writing something? हाँ जी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू इशू वोटर कार्ड और अगर वोटर कार्ड ऑलरेडी है बन चुके हैं सपोज आपके पेरेंट्स के वोटर कार्ड बने हुए हैं उसमें किसी भी तरह से कोई चेंज ऑफ नेम करवाना है चेंज ऑफ एड्रेस करवाना है तो ये सारा जो है इसकी चेंज के जो क्राइटेरिया होता है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ठीक है नेक्स्ट इज इसी का ही है जो है आगे आपने एक्सप्लेन करना है टू अपडेट वोटर लिस्ट अपडेट कैसे किया जाता है इलेक्शंस हाँ इसी के साथ ही इलेक्शंस के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है वो आपके घर में आकर क्या करते हैं सर्वे करते हैं उस सर्वे में आपका सारा नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन आपका रिलीजन आपकी सैलरी ईच एंड एवरीथिंग कितने उसमें कॉलम होते हैं काइंड ऑफ एक तरह से सर्वे होता है वो सारा सर्वे के अकॉर्डिंग वो उसमें फिल कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हर घर की डिटेल उनके पास हो जाती है गवर्नमेंट स्टाफ जुड़ी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन आगे गवर्नमेंट स्टाफ की ड्यूटी आपके पेरेंट्स जो गवर्नमेंट स्टाफ हैं उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगती है और उस पर्टिकुलर इलेक्शन ड्यूटी में उनको पे किया जाता है वो एक दिन की ड्यूटी भी हो सकती है 2 दिन की भी हो सकती है स्पेशली गवर्नमेंट स्टाफ में जो टीचिंग स्टाफ होता है ना पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल की उनकी मेनली ड्यूटी ज्यादा है विलेज एरियाज में पंच और सरपंच काउंसलर्स सिटी में काउंसलर्स वो ये काम करवा सकते हैं तो डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ठीक है रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट एंड इशू ऑफ वोटर कार्ड और उसपे फाइनल सिग्नेचर किस पे होते हैं वोटर कार्ड पे इलेक्शन कमीशन सिग्नेचर नहीं मतलब स्टैंप कह लो आप तो स्टैंप इशू की जाती है बिना स्टैंप के वोटर कार्ड जो है वो बोगस माना जाएगा आपके पास आपके पेरेंट्स के वोटर कार्ड है यू कैन चेक उस पर प्रॉपर इलेक्शन कमीशन की क्या होती है स्टैंप होती है उसी को लीगल माना जाए ठीक है देन थर्ड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए प्रॉपर जितने भी इलेक्शन सेंटर्स हैं उसमें पुलिस सिक्योरिटी की प्रोविजन होती है एक दिन पहले ही वहां पे पुलिस अपॉइंट की जाती है और जब तक वोटिंग खत्म नहीं होती है इवन ईवीएम्स ये मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है आपके साथ कि ईवीएम्स जो है बाद में वोटिंग के बाद ईवीएम्स जब तक काउंटिंग नहीं होती तब तक पुलिस जो है वो उसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हाँ डबल